इंडिया और पाकिस्तान की जो ब्लेंड हो गया। मैं तुम्हारे बचपन के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे लाइक होता है ना, तुम पैशनेट थी, काम की हार्ड वर्किंग थी, बहुत सेंसिबल थी कि अपनी अम्मा की फीलिंग्स को तुमने सबसे ज्यादा फील किया एज बच्चा कि मैंने ये करना है, मैं बनूंगी उनका बेटा। मगर उसके अलावा तुम्हारे अंदर क्या क्या उसकी एक और रीजन भी है या क्या थी उसकी एक और रीजन भी है बिकॉज माय मॉम अच्छा क्योंकि मेरे जो नाना अबू है पाकिस्तान में, क्योंकि फैशन है, मेरी नाना अबू की 2-3 शादियां थी। तो मैं एक बड़ी सेंसिटिव बात है मैं बताती हूँ, व्हाई आई पिक्ड अप आल्सो। सो माय मॉम जो मेरी नानी थी, और मैं उनका एक टाइम पे उनका थोड़ा सेपरेशन हो गया था, तो मेरी मामा ने थोड़ा डैड का वो मिसिंग फील किया। अच्छा। तो वो जब मेरा मिसिंग वो आया ना, तो आई जस्ट कनेक्ट टू माय मॉम सो बैडली एट दैट टाइम, इवन व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड। तो वो क्योंकि मामा का तो सुनी हुई थी बात, वैसे लगा अच्छा मामा के डैड नहीं, वो मेरे डैड नहीं, हाउ यू फील सो अलोन। That was a point when I connected my mom. I am gonna make my mom happy. हाँ. The happiest person on this planet. तो जब तुम 12 साल की थी तब अब्बू ने दूसरी शादी कर ली? नहीं नहीं, अब्बू डेथ हो गई जब उनकी, उनमें अपने नाना की बात कर रही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम नाना की बात, नाना की बात कर रही। हाँ. तो थोड़ा सा उनका मेरी नानी और नाना का थोड़ा सा सेपरेशन थोड़ा अच्छा 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 हमारे पास हो जाते हैं ना, नाराज होते हैं। 12 साल की थी तब मैं अब्बू की डेथ हो गई थी। हाँ, इतनी छोटी। तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। सारी दुनिया को पता है, तेरे को नहीं पता? नहीं, कसम से मुझे नहीं। अच्छा, आई। और बहन भाई और कितने छोटे छोटे थे तुम्हारे? बस सब फिर वो उसी लाइन में लगा लो। नहीं यार, हाँ, मुन्ना। हाँ, हाँ. अच्छा, मैं ये समझ रही थी कि लाइक उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। नहीं, चले गए थे। ही डाइड। तो दैट वाज अ वेरी बिग लॉस बिकॉज़ आपने उनके साथ टाइम ही नहीं गुजारा। हां, उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को वैसा शेप अप नहीं किया। हां, सिवाय इसके के कुछ बातें मतलब क्या, कुछ तो मेमोरीज होंगी तुम्हारे अब्बू के साथ? हाँ, बहुत है। ऐसे जैसे मुझे कहते थे कि अगर कोई बात, गॉड आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट, बट मैंने कभी तुम्हें इंटरव्यू नहीं किया ना, तो मैं तुम्हारे बारे में प्रॉपर जानना चाहती हूँ। रुलाना बंद कर मेरे को भी। गलत के लिए पागल हो, पागल। नो, बट चलो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते। तो क्या हुआ था कि वो मुझे कहते थे कि तुम्हें कुछ बात जो तुम ना कह सको कभी जिंदगी में, तुम एक पेन पे पेपर पे लिख के रख देना, एंड आई विल गो एंड आई विल पिक अप इफ एनीथिंग यू विल नॉट एबल टू से। सो ही वाज दैट काइंड ऑफ अ कंफर्टेबल डैड कि अगर जिंदगी में बेटी हो ना, ऐसा लगे कि कोई बहुत ही ऐसी डिमांड आ जाए तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हें लगे मैं कैसे बात करूंगी, तो तुम मुझे लिख के दे देना। तो ऐसे बाप ने सोचे आपके साथ, आपकी ही डिडंट सी यू अ यंग एज और एनीथिंग। सो देखो अल्लाह ताला की, बट ही वाज अ फेमस पर्सन टू बाय द वे। हां, हमारे कुवैत में रेस्टोरेंट थे ये सब। तो हां, तूने बचपन यानी बहुत अच्छा टाइम देखा है। हां, फुल ऑन। हां, वो सब हमारे पास पाकिस्तानी सफीर जब आते थे तो वो खाना खाने आ रहे हैं, तो रिबन कट रहे हैं, तो इंडिया से अति रेखा जी और इनको एक कोई कुछ हो था यहाँ। हाँ। से मैडम नूर जहान और मेहदी हसन साहब को बुलाया, तो यू नो वो इस तरह के भी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप करते। इज अ वेरी फन लविंग पर्सन। मैं केएल सहगल को मैंने उनके साथ सुना 3-4 साल की उम्र में, सोचो आपके घर में। तो दैट क्लासिकल एंड दैट डेप्थ फ्रॉम वर्क आई हैव टेकन फ्रॉम माई डैड। मैं सिर्फ ये कहती हूँ मोना, मैं बता, हालांकि बहुत तकलीफदेह चीज़ है। हाँ। कि 12 साल की उम्र में जब आपको, ख़ास तौर पे लड़कियों को अपने बाप की बहुत शदीद ज़रूरत होती है, उस वक्त वो नहीं रहे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें वो स्ट्रेंथ दी कि तुम, वो एक फायर दी कि तुम आगे बढ़ सको, जा सको। कभी कभार नहीं तो हम अपने अब्बा की बेटी हो जाते ना, सो हम शायद उतनी मेहनती नहीं होते। हो गई थी थोड़ी कि रोना नहीं है, ऐसे होता ना, 15 साल नहीं रोया। आई नो, और मैं तो गवाह हूँ तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे हार्ड वर्क की, हमेशा हंसती रहती। नहीं, वो तो मेरा फन पार्ट है। एंजॉय करती हूँ तुम लाइफ। कैमरे के सामने मुझे लगता है इससे ज्यादा खूबसूरत लाइफ ही नहीं है। हाँ। तो मैं कैमरे के सामने होती हूँ बस। वो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।